फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड्रॉइड। आपने पिछले वीडियोस में नेविगेशन व्यू और फ्रेगमेंट के बारे में देखा था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आज के इस वीडियो में नेविगेशन व्यू में किस तरह से फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। हम एक्टिविटी मेन में नेविगेशन व्यू टूल बार और स्क्रॉल लेआउट लेंगे। कैपिटल टी करेंगे टूल बार और एंटर टेक्स्ट का जो भी हमें टूल बार दिखाई दे रहा है उस पर एंटर करेंगे। विड्थ में स्पैन रखेंगे, हाइट से CDP, टाइटल देंगे टाइटल टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड देंगे क्लोज करेंगे एडी देंगे और ड्रो लेआउट लेंगे कैपिटल डी। विड्थ मैच पेंट रखेंगे, हाइट मैच पेंट देंगे, शिफ्ट प्लस करते देर से क्लोज करेंगे और रिलेटिव लेआउट लेंगे मैच पेंट क्लोज करेंगे और फ्रेम लेआउट लिखेंगे। अब जब भी नेविगेशन व्यू में से किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो फ्रेम लेआउट में हम फ्रेगमेंट रिप्लेस कराएंगे, क्लोज करेंगे, आईडी देंगे और ड्रॉ लेआउट के बाद नेविगेशन व्यू लेंगे, विड्थ रैप हाइट मैच पेन देंगे, आईडी देंगे, बैकग्राउंड कलर और लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट लिखेंगे, लेकिन हमें सजेशन में नहीं दिखाई देगा, हम मैन्युअली टाइप करेंगे। और नेविगेशन व्यू में हेडर सेट कराएंगे, हम लेआउट बनाएंगे कंसर्न लेआउट रिमूव करेंगे, रिलेटिव लेआउट हाई टेक्स 150 dB देंगे और एक बैकग्राउंड बनाएंगे, शेप ग्रेडियंट स्टार्ट कलर देंगे और हम UI ग्रेडियंट में से भी कोई भी कलर ले सकते हैं, सेंटर कलर क्लोज करेंगे और हेडर में बैकग्राउंड सेट करेंगे, टेक्स्ट भी देंगे आईडी देंगे और एक टेक्स्ट भी देंगे आईडी चेंज करेंगे मार्जिन लेफ्ट इमेज लेंगे 25 dB SRC और वेक्टर रिसर्च में हमने एंड्रॉइड का आइकन इंपोर्ट किया हुआ है वो सेट कराएंगे। हम टिंट चेंज करेंगे आइकन टिंट क्लोज करेंगे और अबो टेक्स्ट 1 मार्जिन लेफ्ट और हेडर को हम नेविगेशन व्यू में सेट कराएंगे, हेडर लेआउट और जो भी हमने हेडर बनाया हुआ है उसका नाम लिखेंगे। अब हम नेविगेशन में आइटम सेट करेंगे, मेन डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, न्यू मेनू रिसोर्स फाइल आइटम लिखेंगे, आईडी देंगे, टाइटल और आइकन इंपोर्ट कराएंगे वेक्टर सेट में से। फॉर्म लिखेंगे क्लोज कंट्रोल डी और हम आईडी चेंज करेंगे शेयर ऐप
एग्जिट लिखेंगे। और हम यहाँ पे ग्रुप लेंगे, चेक बिहेवियर सिंगल करेंगे, सिर्फ प्लस डेल्टा जेन से क्लोज करेंगे। फिर से आइटम लेंगे, टाइटल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे। और हम मेन आइटम लेंगे, ग्रुप लेंगे, चेक बिहेवियर सिंगल, और मेनू में टूल्स शो इन नेविगेशन व्यू करेंगे। अल्टर एंटर और आइटम फाइल को नेविगेशन व्यू में सेट करेंगे। मेनू लिखेंगे और हम नेविगेशन व्यू में से किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्टेड आइटम का टेक्स्ट कलर और आइकन कलर हम चेंज करेंगे। ड्रॉएबल में नेविगेशन बीजी नाम से हमने सिलेक्टर बनाया हुआ है। और आइटम टेक्स्ट कलर लिखेंगे और नेविगेशन बीजी को सेट करेंगे, लेकिन हमें सजेशन में नहीं दिखाई देगा, हम मैन्युअली टाइप करेंगे। आइटम आइकन टिंट करेंगे, आइटम हॉरिजॉन्टल पेडिंग देंगे, क्लोज। और नेविगेशन व्यू ड्रॉएबल और टूल बार को मेन एक्टिविटी में सेट करेंगे। हम नेविगेशन व्यू लिखेंगे, ड्रॉ लेआउट, टूल बार लेंगे और आईडी देंगे, ड्रॉ लेआउट हम आईडी देंगे एक्टिविटी में। और एक्शन बार ड्रॉ टॉगल सेट कराएंगे, उसका कोई भी एक वेरिएबल नहीं देंगे। इज इक्वल टू न्यू एक्शन ड्रॉ कॉल करेंगे। कंट्रोल पीछे हम सजेशन देख सकते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी लिखेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट थीस कोमा ड्रॉ लेआउट, टूल बार लिखेंगे और हम ओपन ड्रॉ और क्लोज ड्रॉ की स्ट्रिंग बनाएंगे। कैपिटल आर डॉट स्ट्रिंग करेंगे और ओपन ड्रॉअर कॉमा कैपिटल आर डॉट स्ट्रिंग और क्लोज ड्रॉअर लिखेंगे, क्लोज करेंगे। ड्रॉ नेम डॉट एड ड्रॉ लिस्नर करेंगे और हमने जो भी एक्शन बार ड्रॉ टॉगल का वेरिएबल नेम दिया हुआ है वो सेट करेंगे। एक्शन बार ड्रॉ टॉगल लिखेंगे डॉट सिंक स्टेप और हमने नेविगेशन व्यू में जो भी आइटम सेट किए हुए उसका ग्रे लिस्नर बनाएंगे। नेविगेशन व्यू डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टर लिस्नर करेंगे न्यू और कंट्रोल पर से हम सजेशन देख सकते हैं। नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टर लिस्नर पे एंटर करेंगे, स्विच लिखेंगे, आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, कैश कैपिटल आर डॉट आईडी और जो भी हमने आइटम फाइल में आईडी दिया हुआ है वो हम का वो लिखेंगे। ब्रेक करेंगे, कंट्रोल डी, स्लाइड शो लिखेंगे, फिर से कंट्रोल डी करेंगे और हमने आइटम फाइल में जो भी रेड शेयर प्राइवस एग्जिट दिया हुआ उसका क्लियर लिस्नर भी बना सकते हैं। हम शेयर का क्लियर लिस्नर बनाएंगे और पोस्ट सेट कराएंगे। और आइटम होम और स्लाइड शो के क्लिप पर हम फ्रेम लेआउट में फ्रेगमेंट रिप्लेस कराएंगे। हम फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे, एक्सटेंड लिखेंगे, कैपिटल एफ फ्रेगमेंट और क्रिएट व्यू लिखेंगे और हम लेआउट सेट कराएंगे। हम एक लेआउट बनाएंगे फ्रेगमेंट होम, होम फ्रेगमेंट रिलेटिव लेआउट
टेक्स्ट भी लिखेंगे। टेक्स्ट कलर सेंटर में करें ट्रू, बैकग्राउंड देंगे और जो भी हमने लेआउट बनाया हुआ है उसे फ्रेगमेंट होम में सेट कराएंगे। कैपिटल वी करेंगे, व्यू उसका कोई भी वेरिएबल नेम देंगे, इज इक्वल टू इन्फ्लेटर करेंगे जो भी हमें पैरामीटर ने दिया हुआ है, डॉट इन्फ्लेट कैपिटल आर डॉट लेआउट होम फ्रेगमेंट कॉमा और कंटेनर लिखेंगे जो भी यहाँ पैरामीटर ने दिया हुआ है, फॉल्स लिखेंगे क्लोज और रिटर्न हम व्यू पास कराएंगे। एक और फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे, फ्रेगमेंट स्लाइड शो एक्सटेंड कैपिटल एफ करेंगे, फ्रेगमेंट एंड्रॉइड एक्स का फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है उस पर एंटर करेंगे, ऑन क्रिएट व्यू और हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट हम नाम चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, स्लाइड शो और इस लेआउट को फ्रेगमेंट स्लाइड शो में सेट करेंगे। कैपिटल बी यू लिखेंगे, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे, इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट कैपिटल आर डॉट लेआउट लिखेंगे और जो भी हमने स्लाइड शो फ्रेगमेंट बनाया हुआ उसका नाम लिखेंगे, कॉमा कंटेनर और फॉल्स लिखेंगे और रिटर्न व्यू पास कराएंगे और फ्रेगमेंट होम और फ्रेगमेंट स्लाइड शो को मेन एक्टिविटी में आइटम के क्लिक पर हम रिप्लेस करेंगे। गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर लिखेंगे, डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस लिखेंगे, कैपिटल आर डॉट आई डी करेंगे और जो भी हमने एक्टिविटी मेन में फ्रेम लेआउट बनाया हुआ है उसका आई डी लिखेंगे और फ्रेम लेआउट में फ्रेगमेंट रिप्लेस करेंगे और जिस फ्रेगमेंट को हम रिप्लेस कराना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, डॉट कमिट और क्लोज करेंगे। इसी तरह आइटम स्लाइड शो के क्लिक पर हम फ्रेम लेआउट में फ्रेगमेंट स्लाइड शो रिप्लेस करेंगे। गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस लिखेंगे, कैपिटल आर डॉट आई डी फ्रेम लेआउट कॉमा और न्यू फ्रेगमेंट स्लाइड शो लिखेंगे, डॉट कमिट और क्लोज करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। और हम जब भी नेविगेशन व्यू में किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो बाद में नेविगेशन व्यू को क्लोज करेंगे, ड्रॉ लेआउट लिखेंगे डॉट क्लोज ड्रॉ एविटी कंपेक्ट डॉट स्टार्ट। और हम जब भी बैक बटन पे क्लिक करेंगे और नेविगेशन व्यू ओपन होगा तो सबसे पहले नेविगेशन व्यू को क्लोज करेंगे, बाद में एप्लीकेशन क्लोज होगी। हम ऑन बैक प्रेस लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे इफ ड्रो लेआउट डॉट इज ड्रोअर ओपन होगा हम ड्रोअर को क्लोज कराएंगे। और एल्स ऑन बैक प्रेस लिखेंगे और हम थीम में नो एक्शन बार लिखेंगे, नाइट थीम में भी नो एक्शन बार सेट कराएंगे, एप्लीकेशन रन करेंगे। लेकिन यहाँ नेविगेशन व्यू टाइटल बार पे ओवरले हो रहा है, हम एक्टिविटी मेन में ड्रॉ लेआउट को बिलो टूल बार लिखेंगे और नेविगेशन व्यू को ड्रॉ लेआउट के अंदर ही लेंगे और एप्लीकेशन रन करेंगे। तो यहाँ नेविगेशन व्यू सेट होके आ चुका है। हम नेविगेशन व्यू में से आइटम होम पे क्लिक करेंगे तो फ्रेम लेआउट में फ्रेगमेंट होम रिप्लेस होकर आ चुका है और स्लाइड शो के क्लिक पर फ्रेगमेंट स्लाइड शो रिप्लेस होगा। लेकिन हम जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें फ्रेगमेंट सेट होकर नहीं दिखाई देगा, हम मेन एक्टिविटी में बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट सेट कराएंगे। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट होम हमें सेट होकर दिखाई देगा और नेविगेशन व्यू डॉट सेट चेक आइटम करेंगे, कैपिटल आर डॉट आई डी और होम आई डी लिखेंगे। तो जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें नेविगेशन व्यू में होम आइटम सिलेक्टेड ही दिखाई देगी, एप्लीकेशन रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट होम सेट होकर आ चुका है और नेविगेशन व्यू में होम आइटम सिलेक्टेड ही दिखाई देगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।